कि मीडिया को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर संदेश पहुंचा सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। जो पार्टी के कार्यक्रम हो या सरकार की उपलब्धियाँ हो उसको जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो पार्टी के मंडल मीडिया प्रभारी जब एक्टिव होकर के काम करेंगे तो जब चुनाव के दौरान बहुत सारी सभाएं होती हैं, रैली होती हैं, यात्राएं होती हैं, डोर टू डोर कैंपेन होता है, उस समय सभी नेताओं के कार्यक्रमों की ठीक ढंग से सही समय पर रियल टाइम जानकारी पत्रकार साथियों को मिल पाए, इसके लिए मंडल मीडिया प्रभारी काम करेंगे और आज मंडल मीडिया प्रभारियों के लिए मैं यहाँ आया। इसके साथ ही मुझे लगता है कि मैं तो दो तीन चर्चाएँ औपचारिक तौर पर आपके साथ जरूर करूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्ष योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने पूरे किए हैं। इन 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। जो बड़े परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश का आम नागरिक महसूस कर रहा है, आज उत्तर प्रदेश में पहली बार जो हमने संकल्प पत्र में कहा था न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, हमने उसको जमीन पर लागू करके दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश में जहाँ खाकी वर्दी पर पहले गोली चला करती थी, आज 150 खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करके दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 1900 करोड़ रुपए की संपत्तियों को आज विधिक तौर तरीके से आज निस्तारण करने का काम किया है, बुलडोजर चला के दिखाया है। और आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के इस मॉडल की आज पूरे देश भर में तारीफ हो रही है। हर राज्य के मुख्यमंत्री आज इस मॉडल को फॉलो करने के लिए प्रयासरत हैं कि कैसे कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लंबे समय तक पहचान थी कि अपराध का बोलबाला था, हर जिलों में माफियाओं का आतंक था, लेकिन आज हमने माफियाओं के आतंक से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता आज इस बात में बेहतरी महसूस कर रही है। इस उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति पहले बहुत जर्जर हुआ करती थी। मैं विशेष तौर पर अगर सुल्तानपुर जैसे जिले की बात करूं तो ये सारे पूर्वांचल के जिले इस प्रकार के रहे, अवध क्षेत्र के या काशी क्षेत्र के जिले रहे जहां बिजली की बड़ी समस्या होती थी और रोस्टर प्रणाली पर बिजली आया करती थी, 12 घंटे सुबह की बिजली, 12 घंटे रात की बिजली, 8 घंटे 10 घंटे। ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो महीना महीना तक लग जाता था, ट्रांसफार्मर बदल नहीं पाता था, लेकिन अब शहरी क्षेत्र में 24 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने की हमने समय सीमा तय शुरू की। आज 18 से 20 घंटे बिजली न्यूनतम आज हमने ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने का काम पूरे उत्तर प्रदेश में किया है, जो उत्तर प्रदेश की जनता आज महसूस कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, बालक हो, वृद्धजन हो, सबके लिए काम किया है। और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करूँगा कोरोना कालखंड का कि जिस पूरे कोरोना कालखंड में पूरा विश्व बहुत पीड़ित और प्रताड़ित हुआ, इटली, ब्राजील, जर्मनी, जापान, अमेरिका जैसे देश फिर जहाँ बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो धूल दूषित होने लगे, और ऐसे में उत्तर प्रदेश जो 24 करोड़ की आबादी है, अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। इस उत्तर प्रदेश जहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हमने आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर कोरोना को जिस तरह से नियंत्रित करने का काम किया है उसकी केवल देश में तारीफ नहीं हुई है। आज देश के चाहे नीति आयोग हो, चाहे आज WHO हो, आज उसको बॉम्बे हाईकोर्ट उसकी तारीफ करने के लिए आज मजबूर हुआ हो, और ऑस्ट्रेलिया के सांसद और मिनिस्टर्स ने इस बात की तारीफ की है कि हमें भी इस देश में एक योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई व्यक्ति चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान दे सके। तो योगी आदित्यनाथ जी का मतलब होता है